मैं तनुश्री और आप देखते रहिए भोजपुरी बातें। मेरा नाम प्रमोद शास्त्री है, मैं डायरेक्टर हूँ। मैं एक फिल्म बना रहा हूँ छलिया, जिसके हीरो हैं अरविंद अकेला कल्लू, हर्ष ठाकुर, यामिनी सिंह, बहुत सारे आर्टिस्ट हैं इसमें। वही काम कर रहा हूँ। तो किस तरह की फिल्म है, उसके बारे में जानकारी दीजिए। छलिया एक सस्पेंस थ्रिलर फिल्म है, फैमिली ड्रामा है, बहुत ज़्यादा एक्शन है। लगभग पूरी मूवी में 20 मिनट के आसपास का एक्शन है मूवी में। तो इस तरह की एक फिल्म है, सस्पेंस थ्रिलर है। लास्ट तक पता नहीं चलता कि फिल्म में छलिया कौन है। मूवी कहाँ शूट की है आपने और कितना काम हो चुका है? फिल्म की जो है लगभग 90% शूटिंग यूपी में हुई है, बस्ती जिले में हुई है, लखनऊ में हुई है। इसके अलावा हमने एक स्पेशल गाना शूट किया है गैंगटॉक, जो सिक्किम में पड़ता है। बॉम्बे में भी कुछ पैचवर्क शूट किए हैं, तो काफ़ी जगह पर हमने शूट किया है फिल्म को। स्टार कास्ट की बात करें, स्टार कास्ट का क्या क्या काम रहा है उसके अंदर? और अरविंद अकेला कल्लू जी हैं, तो फिल्म तो कुछ बड़ी ही होगी जैसा? हाँ, फिल्म तो बहुत बड़े स्केल पे बनाई हुई है, और अरविंद अकेला कल्लू आज की तारीख में तो उनका टाइम बहुत अच्छा चल रहा है, और भी अच्छा टाइम आने वाला है। और जैसा कि अभी तक देखा गया कि अरविंद अकेला कल्लू की कोई बड़ी एक्शन वाली फिल्म नहीं आई है, तो छलिया उनकी पहली बड़ी एक्शन वाली फिल्म होगी, जिसमें वो बहुत अच्छा एक्शन करते हुए नजर आएंगे। ये फिल्म जून महीने के लास्ट वीक में लगभग रिलीज कर दी जाएगी, और रिलीज डेट की एक्चुअल घोषणा जो है 7 जून के बाद कर दी जाएगी। कोई प्रोपेगंडा नहीं है, सिर्फ ये बताना है दर्शकों को कि हम कुछ एक नया सब्जेक्ट है और एक नई स्टोरी लेकर के आ रहे हैं। बहुत सारा खर्च किया गया है बड़े तामझाम से, बहुत सारा ड्रोन कैमरा, 3-4 कैमरा सेटअप, एक्शन, हमने बाहर से एक्शन, विदेश से एक्शन मास्टर बुलाया हुआ है जिससे हमने काम कराया है, श्री श्रेष्ठा नाम है, बहुत अच्छा एक्शन किया उसने। म्यूजिक है घुंगरू जी का, म्यूजिक है जैसा है, वो अच्छा म्यूजिक देते हैं उस तरह का म्यूजिक है। प्रोड्यूसर हैं गौतम सिंह जी, जो लखनऊ के रहने वाले हैं, बहुत अच्छे प्रोड्यूसर हैं। बहुत अच्छा खर्च किया उन्होंने फिल्म के अंदर, बहुत अच्छा है सब कुछ। जितना बड़ा सेटअप होता है डायरेक्टर को काम करने में उतना ही मज़ा आता है। जितना बड़ा स्टार होता है डायरेक्टर उतना ही कंफर्टेबल हो जाता है। जितने अच्छे आर्टिस्ट होते हैं डायरेक्टर का काम करना उतना ही आसान हो जाता है। प्रॉब्लम तो तब होती है जब ये सब कुछ भी अच्छा नहीं रहता। लकली मैं बड़े स्टारों के साथ काम भी कर रहा हूँ, और अभी पाइपलाइन में मेरी बहुत सारी बड़े बड़े बैनर की फिल्में हैं, और छलिया भी एक बहुत बड़ी फिल्म है, आने के बाद लोगों को पता चलेगा। प्रमोशन के लिए क्या अभी करना चाहते हैं? मोस्ट प्रॉब्ली 7 जून को ट्रेलर रिलीज होगा, इसके बाद फिल्म का प्रमोशन पूरे बिहार और झारखंड में होगा। तो जून एंड में फिल्म जो है वो झारखंड और बिहार में लग जाएगी, इसके बाद नेपाल लगेगी, और उसके बाद जो है बारिश में मुंबई में रिलीज की जाएगी, मुंबई और गुजरात में। इंडस्ट्री का एक मैं भी सुन रहा हूँ बड़ा सारा न्यूज़ है, क्योंकि कल्लू को लेकर के मैंने 2 फिल्में बनाई, और कल्लू के साथ 4 फिल्में और पाइपलाइन में हैं। तो बहुत सारे लोग कहने लगे हैं कि ये कल्लू और प्रमोद शास्त्री का पता नहीं कौन सा ट्यूनिंग है। इवन मेरे पास प्रोड्यूसर्स भी वही आ रहे हैं, सब बोलते हैं कि सर कल्लू जी को हीरो लेके फिल्म बनानी है, आपको डायरेक्ट करना है। ये बात मुझे अभी तक समझ में नहीं आई है। हाँ, एक है कि कल्लू बहुत डिसिप्लिन्ड है, जितना बजे का कॉल टाइम दिया जाता है उतने बजे कॉल टाइम पर आते हैं। और फिल्म में मान लीजिए जैसे हम 25 दिन का शूटिंग कर रहे हैं, तो 25 दिन का जो होटल का खर्च होता है किसी भी करेक्टर आर्टिस्ट से भी कल्लू का एक्स्ट्रा खर्च कम है। तो ये बड़ी अच्छी बात है, हर तरह से बड़े इकोनॉमिकल हीरो हैं और बहुत अच्छा काम करते हैं। हमने इस फिल्म में लगभग 8 गाने हैं, और 4 गानों में हमने बड़े सेट लगाए हुए हैं, ह्यूज सेट, जैसा कि आप हिंदी या साउथ की पिक्चरों में देखते होंगे, उस तरह के सेट हमने लगाए हैं। वैसा टिपिकल भोजपुरी वाले सेट कोई भी नहीं है कि तंबू लगा दिया और पीछे साड़ियां लटका दी, ऐसा कोई भी सेट नहीं है। सब बहुत ह्यूज सेट हैं, बड़ी बड़ी लाइटिंग है, बड़े बड़े स्टेज हैं, बड़े बड़े कटआउट्स लगे हुए हैं। फिल्म बहुत बड़ी है, बहुत ह्यूज फिल्म है। हीरोइन के साथ कैसा? हीरोइन का ही क्या, इस बार छलिया फिल्म में मुझे इतने डिसिप्लिन्ड एक्टर मिले हैं कि मेरे पिछले 15 साल के करियर में मुझे इतने डिसिप्लिन्ड एक्टर नहीं मिल पाए। इस बार जितने आर्टिस्ट थे, समर चतुर्वेदी, मनोज टाइगर साहब, देव सिंह, गौरी शंकर, अनिल यादव जी, बहुत सारे आर्टिस्ट हैं इसमें, लेकिन सब इतने डिसिप्लिन्ड थे और इतने, मतलब अभी कल का इंसिडेंस है कि मनोज टाइगर जी को हमने बोला था कि आप 3 बजे आके डबिंग करिए, तो 2:45 बजे स्टूडियो में पहुंचने के बाद उन्होंने फ़ोन किया कि सर मैं आ गया हूं, अभी तक आप ही नहीं आए। तो मैंने बोला कि मैं 3 बजे बोला था तो मैं 3 बजे आ जाऊँगा। तो बहुत अच्छा लगा, और फिल्म अच्छी इसलिए बनी है क्योंकि उसमें एक्टरों ने बड़ा सहयोग किया है, जितने बजे बुलाना है किसी का कोई टेंटरम नहीं, कोई नखरा नहीं। फिल्म की जो लीड एक्ट्रेस है यामिनी सिंह, उस लड़की के साथ तो काम बार बार करना चाहिए क्योंकि बहुत ही डिसिप्लिन्ड है, 10-15 मिनट के अंदर रेडी होके आ जाती है, और कोई भी नखरा नहीं है जैसा कि भोजपुरी फिल्मों में या हिंदी फिल्मों में बहुत सारी हीरोइनों के होते हैं। लुक बहुत अच्छा है, शायद उतनी खूबसूरत कोई हीरोइन है नहीं भोजपुरी में।
सर एक्शन पे तो बहुत ध्यान दिया है क्योंकि विदेश से हमने एक्शन पे तो हमने बहुत ध्यान दिया है क्योंकि हमने विदेश से एक्शन मास्टर बुलाया हुआ है और हमने लगभग 15-16 दिन एक्शन शूट किया हुआ है। फिल्म के अंदर भी 20-22 मिनट का एक्शन है। लोगों का कहना था इस बार कि मुझे सिर्फ ये लगता है सीखने के लिए तो पूरी ज़िंदगी कम होती है, होने पाना भी अजीब सा मैटर है, लेकिन इतना ज़रूर है कि पॉपुलरिटी है, लोग अच्छा डायरेक्टर मानते हैं, डिसिप्लिन मानते हैं, ये सब मेरे लिए बड़ी अच्छी पॉजिटिव न्यूज़ मेरे लिए मार्केट में बहुत अच्छी है। ये इसकी मुझे हम इतना ही जानते हैं कि अगर आपको काम अच्छा आता है, आप अच्छे टेक्नीशियन हैं तो आपको काम मिलेगा। लेट हो सकता है, जल्दी हो सकता है, मेरा भी टाइम इतने सालों के बाद है तो होता है। यही कहेंगे कि फिल्म रिलीज होगी, देखिएगा, आपको टिपिकल भोजपुरी फिल्मों से अलग ये सिनेमा दिखेगा, बहुत अच्छा किया गया है, बहुत अच्छी मेहनत की है, उसकी राइटिंग की है। इवन 2 साल पहले मैंने ये फिल्म पवन सिंह को लेकर बनाना चाहता था, लेकिन उस समय मैं किसी कारण से नहीं बना पाया, अभी मैंने कल को। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.